लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलिथीन में ना पटके। गाय पॉलिथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है। गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलिथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है, तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी दे ना दे, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलिथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलिथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलिथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ दे। पॉलिथीन पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल निकल जाए तो भी पॉलिथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी पर पॉलिथीन पॉलिथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलिथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है,